अभी जा रहा हूँ मैं अपना जूता लाने, तो मेरा जूता फट गया था जिंगल शू, तो अभी मैं जूता लाने जा रहा हूँ और अभी खड़ा हूँ लंच घाट में। लंच घाट पार करके जाऊँगा तो वहाँ एक दुकान है शॉप, उसे वैसे जूता लेकर आ जाऊँगा। लंच घाट दोस्तों, लंच घाट पार करेंगे उसके बाद अपना लेके आएंगे जूता या जंगल शू। वहाँ देखिएगा बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। इधर में पूरा भर्ती का काम না না রাখো কি চাকরি এমন কি করে প্রাইভেট কোম্পানিতে করে लिया हूँ वारियर प्लस का, वारियर प्लस का जूता लेकर चलता हूँ घर, तो फिर इसको दिखाऊंगा। तो ये शू ले लिया हूँ जंगल शू, जो जंगल में पहनने में बहुत सुविधा लगता है, अच्छा लगता है पहनने में, तो शू ले लिया हूँ। अभी जा रहा हूँ घर, ये घर है क्या रास्ता, और अब लंच पार करके फिर जाऊँगा घर। तो आज का प्रोग्राम यही था कि मैं शू लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शू मेरा फट गया था, मेरा पूरा फट गया था और पहनने लायक नहीं था एकदम, और बाद में प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए शू लेना बहुत ज़रूरी था, तो शू ले लिए। अभी अभी चलते हैं घर, और घर जाने के बाद जूता में देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या कुछ दिया कि नहीं दिया, कैसे आज शू। और
तो आप देख सकते हैं अभी इस ट्रेन में टीवी भी लग गया है लोकल ट्रेन में, और आपको पूरा सुविधा दिया जा रहा है। कौन सा स्टेशन आने वाला इस टीवी में पहले शो कर देता है, उसके बाद आप अपने स्टेशन पर आराम से उतर सकते हैं। तो धीरे धीरे ट्रेन में फैसिलिटी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और हमारा स्टेशन आने वाला है अभी, और हम गेट पर आ गए हैं जल्दी से, बहुत भीड़ है इसीलिए मैं पहले ही आगे में रह जाता हूँ, क्योंकि फिर ट्रेन छूटने का डर रहता है। इसीलिए मैं स्टेशन आने वाला दोस्तों, फिर उतर के फिर घर जाऊँगा, खाना कोई खाना भी मैंने खाया, फिर जाकर खाना खाऊँगा, फिर उसके बाद शू का अनबॉक्सिंग करूँगा। हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने सेलिंग ब्लॉग पर। तो आज जूता लेके आया जंगल शू, तो उसको भी मैं खुला नहीं हूँ, अनबॉक्सिंग भी नहीं किया हूँ, तो अभी खोलता हूँ, देखता हूँ कैसा जूता शू। जंगल शू है, जंगल में स्पेशली पहन के इसको जाया जाता है, तो उसे भी खोलते हैं। ये है सिल्वर पेपर, रोटी वोटी पैक करने के लिए ले लिया था, रास्ते से ही जा रहा था तो एक शॉप देखा, तो मैं सोचा उसी से ले लेता हूँ। ये है, ये हमारा पैकिंग मटेरियल, जब छुट्टी आते जाते तो इसमें खाना वाना पैक करके लेके जाते, वो भी ले गए थे बस। ये इसमें बाद में बताएंगे इसमें क्या है। चलिए अभी करते हैं जूता का अनबॉक्सिंग। सब बहुत चीज़ का अनबॉक्सिंग करता होगा, मोबाइल का, गैजेट का, मैं करता हूँ जूता का अनबॉक्सिंग जो हमारे लिए है जंगल शू। जंगल शू कैसा है, जंगल वॉरियर का है, लिबर्टी का। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसके साथ फ्री दिया ये बैग, जूता देखते किस तरह जूता है। ये इसका ऊपर का देख सकते हैं कवर, पैकिंग ये इसको ओपन कर लिए, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये कुछ इसका पेपर दिया है, मार्क्स, और जूता को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह उसको केयर करना है जिससे जूता ज़्यादा दिन लास्टिंग करे, उसके विषय में कुछ दिया हुआ पेपर, और भरोसे में सुरक्षा है कुछ दिया हुआ पढ़ने के लिए, पढ़े नहीं है। और इसमें कौन कौन सा जूता इनके पास है, उनका वैरायटी, इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको बता सकता हूँ क्या है। चलिए पहले तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। मार्क्स है, ये है मार्क्स, देखते किस तरह का मार्क्स है, मैं भी नहीं देखा, अभी देख रहा हूँ जस्ट। ठीक, गुड 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 गुड, ये देख सकते हो दोस्तों मार्क्स, बढ़िया लग रहा है, लेकिन बढ़िया दोस्तों मार्क्स, मार्क्स बहुत अच्छा है। सॉफ्ट कपड़ा कपड़ा का है, और गंजी कपड़ा ज़्यादा इसमें यूज किया गया, अच्छा मार्क्स है। मार्क्स को यूज करना है, अभी भी कोरोना है, ऐसा नहीं अपने आप को सोचना कोरोना ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक है, कोरोना भी है तो आपको मास्क यूज़ करते रहना है। चलिए मास्क को मैं अपने पास ही रखूँगा और अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको अच्छा से बताऊँगा, अभी मैं इसको पढ़ा नहीं हूँ क्या है। अपर जूता का कौन कौन सा जूता इनके पास, इसके अलावा जंगल शू के अलावा कौन स्पेसिफिक, इनके पास जंगल शू ज़्यादा रहता है, इंडियन बूट भी ये यूज करते हैं, जंगल बूट टेक्टिकल बूट भी इनके पास है, फ्लाई बूट भी है, माउंटेन बूट भी उनके पास है, जो माउंटेन पहन के माउंटेन चढ़ने के लिए, एंटी स्पाइक जंगल बूट भी है, कॉम्बैक बूट है, कॉम्बो बूट है। मास्क चले इसको रखते साइड में और देखते हैं जूता, शिया हमारा जंगल शू आ गया दोस्तों, देख सकते हैं हमारा जंगल शू। मेरे को 10 नंबर आता है तो मैं 10 नंबर लिया हूँ अपना, और शू की क्वालिटी बहुत सुंदर है, देखो IS इसमें मार्क भी रखा हुआ है, इसीलिए जूता ये ब्रांडेड है और कंपनी वाला ही है, कुछ कंपनी का मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट लाइक मैं अपने को अच्छा लगता है तो उसी को मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जूता को दिखा रहा हूँ मैं कौन सा जूता लिया हूँ। और यहाँ भी देख सकते हैं स्टिकर लगा हुआ है, जिसको आप स्कैन करके देख सकते हैं ओरिजिनल है कि नहीं है दोस्तों। और इस जूता को मैं यूज किया हूँ, बहुत कम्फर्टेबल है, कहीं के भी लिए जंगल शू है जंगल में, और कहीं के लिए भी बहुत कंफर्टेबल, किसी पर पाँव में किसी पर कोई नुकसान नहीं होता और चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्पेशली मैं इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है दोस्तों। बस 10 नंबर, ये दूसरा शू किया,
ठीक है, बाद में जब इसको मैं अच्छी तरह से इसको लगा लूँगा तो इसमें इसको मैं करूँगा पैन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये होगा जिनका, चलिए जिनका को रख देते हैं इसका, इसका देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये जिनका रखती है, ये इनका बुक मार्क्स तो मैं ही यूज़ करूँगा, अभी इतनी करा बाद में करूँगा यूज़। इसको रख देते हैं अंदर, इसको करते हैं बंद। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जंगल सू, आज का यही मेरा ब्लॉग था, क्योंकि मैं जंगल सू लाने गया था, बहुत दूर गया था लाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे अगल बगल में नहीं मिलता है, बहुत दूर मिलता है, तो उन्हीं का जंगल सू लाने गया था। जंगल सू हो गया, ये कवर हो गया उसका बैक साइड का, ठीक है, इसी में जूता भी रख सकते हैं आप। चलिए इसको भी इसी में रख देते हैं, ये तो आपको बता दिया सिल्वर का पैकिंग मटेरियल, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते, कभी कहीं जाना पड़ता है उसमें पैक उप करके लेके चल जाते हैं, छुट्टी हो गया या और भी कुछ ऐसा काम है, उसको रखते हैं। इसमें क्या है ये देख लेते दोस्तों, पसीना बहुत है, गर्मी है, पंखा बंद करके सूखना पड़ा, तो ये हमारा कवर, वर्दी कवर के लिए लिए हैं, क्योंकि वर्दी को इस तरह नहीं रखते हैं, वर्दी को अपने अच्छी तरह से इस कवर में रख के हैंगर में रख के टांग देते, क्योंकि वर्दी गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वर्दी कवर, ये हमारा हो गया बैरेट का, ये हमारा बैच, ये हमारा बैच जिसमें बैरेट कैप में साइड में लगेगा, लगने में देखने में और बहुत सुंदर लगेगा। चलिए मैं लगा ही देता हूँ, इसको लगाना थोड़ा प्रॉब्लम, इसको छेद करना पड़ेगा किसी से, अभी मेरे पास कुछ नकली चीज़ है, नकली चीज़ तो दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा मेरे को अभी, पेंसिल है, पेन है, उनको पेन से रखता हूँ, पेन 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 ये पेन, पेन से रखता हूँ, जिसमें हो जाएगा तो ठीक है। इसमें नहीं ले रहा दोस्तों, इसको छेद करना पड़ेगा उसके बाद इसमें लगेगा दोस्तों, इसमें छेद नहीं छेद करने वाला। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लगा के उसके बाद आपको दिखाऊंगा, और ये बताइए कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। यदि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने सैनिक भाई को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, आप कमेंट में यही जो लिखे अच्छा लगता है। अभी छुट्टी में हूँ तो घर में ही ब्लॉग बना लेता हूँ, अब चला अब जाऊँगा मैं अभी वापस अपनी दुनिया में, यहाँ रह गया बहुत दिन, सबके साथ रहा, घूमा फिरा, दुर्गा पूजा स्पेशली दुर्गा पूजा मज़ा आया घूम के, और सभी दोस्तों के साथ घूमा, दुर्गा पूजा अच्छा लगा बहुत मेरे को दुर्गा पूजा घूम के। ठीक है दोस्तों, तो फिर अभी वापस चलूँगा अपना कैंप, तो फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों चलो ये ब्लॉग इधर ही एंड करते ही दिया, मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सैनिक भाई को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।